चाहिए हमारे स्प्रिंग गार्डन का ओवरव्यू। यहाँ पर इस बार बहुत अच्छे फूल आए हैं हमारे पास, जैसे कि ये फूल आप देख सकते हैं। साथ में ये रात की रानी का पौधा भी इसी में ही लगा हुआ है। ये स्नेक प्लांट है हमारे पास, और ये शकरी माल्टा। शकरी माल्टा जो है ये, इसके ऊपर भी अभी हमारे पास माल्टे निकल रहे हैं। अभी इसकी सीज़न आई थी फ्लावरिंग के बाद, इसकी जो है ना पॉपिंग शुरू हो गई है। इसके बाद ये लिली का पौधा है हमारे पास, और साथ में ये 4 o'clock का पौधा है। ये जट्रोपा का पौधा, साथ ही ये यहाँ पे बोगनवेला की बेल है, इसकी भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये आप उसको एक पूरा इसका व्यू देख सकते हैं इससे नीचे तक। इसके बाद फिर हमारे पास ये नेक्स्ट है बटन रोज़। बटन रोज़ आप देख सकते हैं, इसके फूल छोटे होते हैं बटन की तरह, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी ये पौधा छोटा है, तो इसके ऊपर जस्ट चार फ्लावर्स निकले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है जी मरवी का पौधा, इसके भी अभी जो है ना फ्लावरिंग शुरू होने वाली है बस। नेक्स्ट ये हमारे पास सदाबहार का पौधा है, विंग का। ये इस वाले गमले में हमारे पास एक तो बोगनवेला की, जो पर्पल कलर की बोगनवेला है वो, और साथ में न्याज बो का भी पौधा इसके अंदर लगा हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं इस गमले के अंदर, आप देख सकते हैं बोगनवेला की पर्पल कलर की जो ना बेल है, चाइनीज बोगनवेला जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये यूफोर्बिया मिली, इसके भी आप फ्लावर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये वाइट रोज है, वाइट रोज ये अभी इसका एक बड बन रहा है जिसमें से फूल निकलेंगे, और इसके ऊपर ये दूसरा फूल भी है। ब्यूटीफुल, ये इसका पूरा पौधा है, और ये इसके ऊपर 2 फूल निकले हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये यहाँ पर है, ये पौधा इसको बोलते हैं मोर पंखी। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी। तो नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास अनार का पौधा। अनार के पौधे के ऊपर अभी यहाँ पे आप कलियाँ देख सकते हैं, अनार की कलियाँ भी निकल रही हैं, इसके ऊपर फूल बनेंगे, इसके बाद हमारे पास फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी इसकी। ये भी गमले में लगा हुआ एक। नेक्स्ट वाले गमले में भी एक अनार का पौधा लगा हुआ है, इसकी भी कलियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी निकल रही हैं। ये 2 गमले हमारे पास अनार के, और साथ ही हमारे पास ये है एक, ये है हमारे पास, और दिन का राजा भी साथ लगा हुआ है हमारे पास। ये फिर एक इंग्लिश रोज का पौधा है, इसके ऊपर ये उसको हम टाइगर रोज बोलते हैं, इसका फूल देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ये 2 शेड में, डुबल शेड वाइट एंड रेड जो है इंग्लिश रोज है, इसके ऊपर काफ़ी फूल आए हैं। तो आप इसका फ्लावर्स नीचे से देखें तो सफ़ेद है, और ऊपर वाली साइड से रेड है, डुबल शेड के लिए फ्लावर इसके निकलते हैं, और ये बहुत प्यारा पौधा है। इसके ऊपर ये फ्लोरी बंडा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक ही शाख के ऊपर 2 फूल निकल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वाइट क्रीम कलर का रोज़ है, क्रीम रोज़ है, ये भी फ्लोरी बंडा है, एक ही शाख के ऊपर आपके पास बंच ऑफ फ्लावर्स निकलते हैं इसके अंदर भी, आप ये देख सकते हैं 3 से 4 पौधे फूल इसमें निकले हुए हैं, जैसे ये 3 है इकट्ठे एक शाख के ऊपर, और ये हमारे पास एक शाख के ऊपर 1 2
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस फूल एक शाख के ऊपर आप देख सकते हैं ये निकले हैं, इस शाख के ऊपर हैं ये, एक शाख के ऊपर दस फूल निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा फूल है। इसके ऊपर काफ़ी फ्लावरिंग हुई आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा पौधा है। इसके अलावा फिर हमारे पास एक और अनार लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी भी फ्लावरिंग शुरू हो रही है, पूरा गमले में ही लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास रेड मैरून कलर का इंग्लिश रोज़, ये भी इंग्लिश रोज़ ही है, साथ में इसमें गंदम के बीज पौधे थे वो भी निकल आए हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश रोज़। साथ में हमारे पास गुल्ले दोपहरी का ये पौधा है, ये भी निकल रहा है, इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये पर्पल कलर का इंग्लिश रोज है, इसकी भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं इसकी। और नेक्स्ट एक और हमारे पास इंग्लिश रोज़ है, ये ऑरेंज कलर का है, इसके ऊपर अभी फूल नहीं आए लेकिन इसकी जो नई ब्रांचेस शूटिंग निकल रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक लीमू का पौधा लगा हुआ है स्टब के अंदर, उसके साथ ही पुदीना भी लगा हुआ है, ये नेक्स्ट ये पुदीना काफ़ी अब न्यू निकल आया है, काफ़ी इसके अंदर नई पत्तियाँ निकल आई हैं, पुदीना काफ़ी फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पर्पल हार्ट प्लांट लगा हुआ है, साथ ही इसके अंदर कुछ गंदम के बीज निकल आए हैं। फिर हमारे पास एक ये है, एक और हमारे पास मोर पंखी का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, गमला छोटा है हमारे पास। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक बुगनविला की बेल है, ये भी काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग कर रही है, जो नीचे तक जा रही है। एक दफ़ा मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ अपने गार्डन का फिर से। साथ में ये हमारे पास जेट प्लांट है, जेट प्लांट के चार पांच गमले हमने इस पर रखे हुए हैं, देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू एक दफ़ा पूरे गार्डन का मैं दे देता हूँ। फिर यहाँ पर इसमें एक प्लांट, ये लिली का पौधा है, रेड कलर के बड़े फूल लगते हैं इस पर। ये सन रोज फ्लावर है, इसके ऊपर भी हमारे पास फूल निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बेबी सन रोज, इसके फूल भी निकल रहे हैं और ये अभी हमारे पास फ्रेश निकल रहे हैं, तो ये सूरज की रोशनी के अंदर अपने फूल निकालता है। नेक्स्ट हमारे पास रेन लिली है, इसमें पिंक कलर के बड़े फ्लावर्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर ये एक लिली है, ये हमारे पास एलिफेंटे का पौधा है, इसके पत्ते अभी येलो हैं, अभी नए नए पत्ते निकलेंगे इसके। नेक्स्ट साथ में हमारे पास बांस की या रोज़ की बेल है, इस पर बहुत छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के फूल निकल रहे हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा फूल आते हैं, आप ये देख सकते हैं इस पौधे के ऊपर, ये बांस की गुलाब इसको हम बोलते हैं। एक बेल होती है जो बहुत तेज़ी से फैलती है गुलाब की। नेक्स्ट हमारे पास चॉकलेट लिली इसको बोलते हैं, ब्राउन कलर की लीली प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास अगेन बोगनविला है, जो कि नीचे की तरफ लटका हुआ है, इस पौधे का मुझे नाम नहीं पता। नेक्स्ट है हमारे पास येलो जैस्मिन या चमेली का पौधा, ये हमारे पास देसी गुलाब एक निकला हुआ है, देसी गुलाब, और साथ में यहाँ पे हमारे पास पर्पल कलर का पानसी का फूल भी यहाँ पर निकला हुआ है इसके साथ ही। कौन से पौधे का नाम मुझे पता नहीं, इसको पता था कमेंट के अंदर आप लिखिए। ब्लॉक फ्लावर इसको बोलते हैं हम ये, वैसे तो ये वाइट कलर की चमेली यहाँ पे लगी हुई है जैसे। अगेन ये एक देसी गुलाब है जिसपे रेड कलर के फूल आते हैं, अभी इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, बस एक बड बन रहा है अभी, क्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोतिया का पौधा, ये मोतिया का पौधा है जो काफ़ी फैला हुआ है, साथ में ही हमारे पास एलोवेरा के पौधे इसमें लगे हुए हैं, सेकेंड चॉकलेट लिली है, साथ साथ में ये येलो कलर की जैस्मिन, अगेन मेरे पास ये दो फ्लावर है, सेम टॉप फ्लावर है येलो कलर का, मैरून और येलो मिक्स, एक वाइट कलर का है इसके ऊपर, एक ये बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो है वो
लार्वा, ये भी इसके ऊपर निकल रहा है। साथ में ये मैरून कलर का डॉग फ्लावर। नेक्स्ट ये चीड़ का पौधा है, इसमें लगा हुआ चीड़, ये भी अपनी नई शूटिंग निकाल रहा है। ये फाइकस का प्लांट है, वाइट और ग्रीन मिक्स है ये। साथ में हमारे पास एक और फाइकस है, ये टोटल ग्रीन फाइकस, तो आप देख सकते हैं। और ये शफलेरा का पौधा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, शफलेरा भी अपना यूटिंग काल है। ये हमारे पास ऑनियन पाम, आप इसको बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह शूटिंग निकाल रहे हैं अपनी इसके नीचे। आप इसका ये बेस जो बाउल सा, इसको अनियन कहते हैं, वो भी पड़ा होगा। अनियन टाइप का पाम है, पाम की वैरायटी है। इस तरफ से भी आप अपनी तरफ गार्डन ओवरव्यू देख सकते हैं। ये नेक्स्ट ये वाला फ्लावर आप देखिए, कंधे में लगा हुआ है ये। साथ में स्टार लाइट का पौधा, काफ़ी सारे पौधे रखे हुए हैं इसमें, देख सकते हैं। ये साथ में हमारे पास पाम है, ये इट्स अ गुड एयर क्लीनर पाम, एरिका पाम इसको बोलते हैं। हवा को साफ करता है, वो पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स को निकालता है। इसके अलावा फिर मेरे पास लगे हुए हैं, फिर एक लीली का पौधा, ये वाइट कलर की लीली है। साथ में चॉकलेट लीली। नेक्स्ट ये हमारे पास है मनी प्लांट, और साथ ही एलिफेंटा भी इसी गमले में लगा हुआ है। ये हमारे पास ये ड्रेसेनिया का पौधा, ये भी ड्रेसेनिया का पौधा, एक बड़ा प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास लीली के पौधे, और साथ ही है मोर पंखी का पौधा, इसका बीज लगाया था, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये था मेरा एक ओवरव्यू इस गार्डन का, कि काफ़ी ज़्यादा पौधे एक दफ़ा दोबारा से देख सकते हैं इस गार्डन को।
तो ये था हमारे गार्डन का ओवरव्यू स्प्रिंग के मौसम के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।